नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। मुझे बहुत से लोगों ने अनुरोध किया कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर एक वीडियो बनाएं। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर है। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रोफेशनल बना दूं। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आप पूरा देखेंगे और बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आप पहले से जानते हैं तो आपके लिए भी इस वीडियो में सरप्राइज होगा। आपसे अनुरोध है कि आप ऐसे व्यक्ति को जरूर शेयर करें जिसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं आता है और जिसको जरूरत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाएं। उसी से आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने वाला है। दोस्तों, सर्वप्रथम आपको जानना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को किस तरह ओपन किया जाता है। मैं आपको तीन तरीका बताऊंगा जिससे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। पहला, आप सर्च बॉक्स में एक्सेल टाइप करें और इसे क्लिक करें। इससे आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका, आप देख सकते हैं कि एक्सेल का शॉर्टकट की डेस्कटॉप पे फ्लैश कर रहा है। उस शॉर्टकट की को डबल टाइम क्लिक करें। इससे भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। तीसरा तरीका, आपके कीबोर्ड पे विंडोज की होगा। उस विंडोज की और आर को प्रेस करें तो आपके सामने रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगी। यहां आप एक्सेल टाइप करें और ओके को प्रेस करें। इससे भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो एप्लीकेशन के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में शामिल है। स्प्रेडशीट उनको स्प्रेडशीट आपको उन रो और कॉलम में ऑर्गेनाइज वैल्यू के साथ प्रदान करेगी जिन्हें बुनियादी और जटिल एथमेटिक ऑपरेशन के उपयोग से गणितीय रूप में बदला जा सकता है। आप सैलरी शीट, मार्कशीट और कोटेशन जैसे काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहा जाता है और एक वर्कबुक में डिफॉल्ट रूप से एक सीट होते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 है, पर अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में जाएंगे तो वहां आपको नीचे सीट 1, सीट 2 और सीट 3 दर्शाएगा। पर इस वीडियो में मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 लिया, इसलिए यहां सीट 1 सिर्फ दर्शा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रोज और कॉलम्स कहाँ होती है। दोस्तों, रोज आपको हमेशा बाईं ओर मिलेगी और रोज को हम
नंबर से इंडिकेट करते हैं, ये रो नंबर वन आपका, रो नंबर टू, रो नंबर थ्री, रो नंबर फोर, इस तरह आपको रोज मिलेगी। पर आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 1048576 रोज होते हैं, अर्थात 1048576 रो होते हैं। अब इसे मैं आपको दिखाता हूं। अब आप देखिए, मैं सबसे लास्ट रो पर पहुंच गया। यहां आपको लास्ट रो 1048576 दर्शा रहा है। उसी तरह हम लोग कॉलम्स को भी इंडिकेट करते हैं। यहां कॉलम्स को हम लोग अल्फाबेट वे में दर्शाते हैं। यहां आप देख सकते हैं अल्फाबेट ए बी सी, ये सभी आपको कॉलम्स हैं। इस कॉलम का आखिरी छोर जो आपको एक्स एफ डी मिलेगा, अर्थात 16384 कॉलम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मिलेगी। फिर से मैं आपको बता दूं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक सीट होती है जिसका मैक्सिमम 1048576 रोज होते हैं और 16384 कॉलम्स होते हैं। अब आपको जानना चाहिए कि सेल एड्रेस क्या है। देखिए, आपके सीट में एक ब्लॉक, ये सब ब्लॉक जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सभी ब्लॉक सेल है, पर सभी सेल का एक अपना एड्रेस होता है। अर्थात अगर मैं A1 को सेलेक्ट करूं तो ये A1 मेरा सेल एड्रेस होगा। इससे पता चलता है कि मैं जो वैल्यू यूज किया हूं वो सेल A1 में लिखा है। अगर मैं K4 को सेलेक्ट करता हूं, अर्थात इस सीट का K4 सेल एड्रेस होता है। आपको जानना चाहिए कि सेल एड्रेस किस तरह लिखते हैं। सेल एड्रेस के लिए सर्वप्रथम आपको कॉलम दर्शाना होगा। अगर मैं इस सेल एड्रेस की बात करता हूं तो इस सेल एड्रेस का नाम क्या होगा? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्वप्रथम हम कॉलम लिखेंगे, क्योंकि ये सेल किस कॉलम में लाई कर रहा है? एम कॉलम में। अब आपको जानना होगा कि ये सेल किस रो में लाई कर रहा है। आप ध्यान देखें कि यह रो नंबर 6 में लाई कर रहा है, अर्थात मेरा सेल एड्रेस M6 हुआ। आप कहीं भी अपना वैल्यूज को एंट्री करवा सकते हैं और जहां आप एंट्री कीजिएगा, अगर उस वैल्यू को इंटरटेन करवाना होगा तो उसका सेल एड्रेस आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, सर्वप्रथम मैं आपको टाइटल बार के बारे में बताऊंगा। यह एक्सेल विंडो के सबसे ऊपर स्थित होता है। आप देख सकते हैं यह भाग टाइटल बार कहलाता है। आप यहां इस वर्कबुक का नाम देख रहे हैं। बाय डिफॉल्ट
आप जब पहली बार एमएस एक्सेल ओपन कर रहे हैं तो आपको बुक वन मिलेगी। अगर आप दूसरा वर्कबुक ओपन कर रहे हैं तो बुक टू मिलेगी। तो ये बाय डिफॉल्ट होती है, पर अगर मैं चाहूं तो इस वर्कबुक का नाम चेंज करूं तो वो भी मैं कर सकता हूं। इसके लिए मुझे सेव करना होगा, ये आप आगे के वीडियो में देखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि टाइटल बार की दाईं ओर मिनिमाइज मैक्सिमाइज, ये आपको मैक्सिमाइज नहीं तो रीस्टोर बटन मिलेगी, और आखिरी भाग जो आप देख रहे हैं वो है क्लोज बटन। दूसरा जो एलिमेंट आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मिलेगी वो है रिबन। आप देख सकते हैं रिबन पहले के वर्जन के मेनू और टूल बार की जगह में आया है। अगर आपके पास पुराना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वर्जन होगा तो आपको वहां रिबन बार नहीं मिलेगी, उसके बदले आप मेनू टूल बार देखेंगे। पर ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 है तो यहां आपको रिबन बार मिलेगी। इसमें विशिष्ट टास्क से संबंधित कमांड को ब्राउज करने के लिए टैब होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, ये सभी रिबन का पार्ट है और इसे इंडिविजुअली हम लोग टैब कहते हैं। हम इस रिबन को हाइड भी कर सकते हैं, इसके लिए इस रिबन पर कहीं भी राइट क्लिक करें और जो ही आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएगी, पहला ऑप्शन कस्टमाइज द रिबन, दूसरा ऑप्शन कोलैप्स द रिबन। आप दूसरे नंबर को सेलेक्ट करें, यह पहला तरीका है। आप अगर इसे फिर से डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो इस टिक मार्क को रिमूव कर दें, ये पहला तरीका है। आप शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए कंट्रोल F1 को प्रेस करें, इससे भी आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो शायद अब आप लोग को पता चल गया होगा कि हम रिबन को किस तरह हाइड कर सकते हैं। पर रिबन को हम लोग क्यों हाइड करते हैं इसको आपको जानना होगा। अगर आप रिबन को हाइड करते हैं तो आपको स्क्रीन पर ज्यादा एरिया मिलेगी, जैसा कि आप देख सकते हैं कंट्रोल और F1 को मैं जो ही प्रेस करता हूं तो मेरा रिबन हाइड हो जाता है, अर्थात मुझे ज्यादा स्पेस मिल जा रही है। अभी आप देखिए मुझे रो नंबर 25 दिख रहा है, पर जो ही मैं इसे ऑन करूंगा तो मेरा नंबर ऑफ रोज घट जाएगा। कारण यही है कि मेरा रिबन ऑन है। अब इस रिबन में मैं पहले ही बता चुका हूं टैब्स होते हैं, जैसे कि होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सभी आपके टैब हुए। अब देखिए हर एक टैब का अपना ग्रुप्स होता है। अब देखिए ग्रुप्स क्या है, अगर मैं होम टैब की बात करूं तो आप देख सकते हैं यहां 7 ग्रुप्स आपको दिखाई दे रही होगी। कौन कौन सा ग्रुप्स जो होम टैब पे डिस्प्ले कर रहा है, पहला क्लिपबोर्ड, दूसरा फॉन्ट, तीसरा अलाइनमेंट, चौथा नंबर, पांचवा स्टाइल, छठा सेल्स और सातवां एडिटिंग है। ये सब ग्रुप्स है। अब मैं बता दूं प्रत्येक टैब आगे सब टास्क में डिवाइड किया जाता है। उदाहरण के लिए मैंने अभी होम टैब को लिया,
जिसमें आपको डिफरेंट ग्रुप्स दिख रहे होंगे। पर दोस्तों आप ध्यान से देखिए, हर एक ग्रुप में आपको डायलॉग बॉक्स लॉन्चर मिलेगी। आपको पता होना चाहिए ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर क्या है। ये आपके ग्रुप को एक्सप्लोर करेगी, अर्थात अगर मुझे फॉन्ट ग्रुप पे काम करना है तो आप वहां डायलॉग लॉन्च लॉन्चर पे क्लिक कीजिए। जो ही आप इसे क्लिक कीजिएगा ये एक्सप्लोर हो जाएगी। अब तीसरा एलिमेंट जो आपका कमांड बटन्स है, आप देख सकते हैं हर एक ग्रुप में बटन्स अवेलेबल है। जैसा कि क्लिपबोर्ड में आप देख रहे हैं, पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर, ये सभी आपका कमांड्स बटन होते हैं। अब मैं अगले भाग की ओर जा रहा हूं। ये अगला भाग आपका फाइल बटन है। आप देख सकते हैं ये फाइल एक बटन है। यह बटन एक्सेल विंडो के ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में होता है। इस बटन पर आपको न्यू, ओपन, इन्फो, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, पब्लिश, क्लोज और मोर मिलेगी। इसे मैं विस्तार पूर्वक आगे की वीडियो में बताऊंगा। अब क्विक एक्सेस टूल बार कहां है? आपको पहले पता होना चाहिए कि क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है। ये क्विक एक्सेस टूल बार जिसमें हमेशा इस्तेमाल होने वाले आइटम के बटन होते हैं, आप देख सकते हैं सेव, अंडू, रीडू और फॉन्ट कलर है। अगर आप इसमें दूसरे बटन को भी दर्शाना चाहते हैं तो आप इसे दर्शा सकते हैं। इसके लिए आपको डाउन एरो की पर सेलेक्ट करना होगा। अब आप देख सकते हैं जो ऑप्शन हाईलाइट की हुई है वो ऑप्शन ऑलरेडी आपको क्विक एक्सेस टूल बार पे मिलेगी। आप देख सकते हैं सेव, अंडू, रीडू। मुझे सेव बटन की जरूरत नहीं है। मैं इसके बदले सॉर्ट असेंडिंग का उपयोग करूंगा। अब जो ही मैं सॉर्ट असेंडिंग को क्लिक करूंगा वहां आप क्विक एक्सेस टूल बार में सॉर्टिंग देख सकते हैं। तो अर्थात इसका प्राय क्या हुआ कि अगर आप जिस ऑप्शन को ज्यादा यूज कर रहे हैं उस ऑप्शन को आप क्विक एक्सेस टूल बार पर दर्शा सकते हैं। अगला जो एलिमेंट है वो नेम बॉक्स है। अब पहले आपको पता होना चाहिए कि नेम बॉक्स की जरूरत एमएस एक्सेल में क्यों है। आप देख सकते हैं मैं जहां भी सेल पे जा रहा हूं वहां आप नेम बॉक्स में उस सेल का एड्रेस देखेंगे। यहां ध्यान दें, मैं अगर D3 पे क्लिक कर रहा हूं तो B3 के जगह आपको D3 मिलेगा। ध्यान दें, इसे नेम बॉक्स कहा जाता है। एक्सेल में जो सेल एक्टिव, मतलब जिसमें हमने क्लिक किया है, उस सेल का नंबर यहां पर दिखाता है। यह बॉक्स फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में होता है। आप देख सकते हैं ये मेरा फॉर्मूला बार है। अब आपको फॉर्मूला बार जानना होगा। एक्सेल में टाइप किया हुआ फॉर्मूला को आप यहां देख सकते हैं, अर्थात अगर मैं फॉर्मूला इक्वल सम A1 कॉलन D1 लिखा हूं तो आप यहां गौर से देखिए कि जो फॉर्मूला मैंने यहां यूज किया वो फॉर्मूला
मुझे फॉर्मूला बार पे दर्शा रहा है। इसे मैं इंटर की के द्वारा इंटरटेन करवाता हूं। स्वाभाविक है इसका वैल्यू जीरो होगा क्योंकि A1 से D1 तक मैंने कोई वैल्यू एंट्री नहीं किया, अर्थात सभी का वैल्यू जीरो है, तो इसका सम भी जीरो होगा। अब यहां गौर से ध्यान दीजिए, ये जो जीरो मैंने यहां दर्शाया उसका सेल एड्रेस क्या है? D3 है, पर यहां आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिए, जब भी आप फॉर्मूला या फंक्शन का यूज अपने सेल में कर रहे होते हैं तो उस समय फॉर्मूला बार में सिर्फ आपको फॉर्मूला दर्शाएगा, तो रिजल्ट हम कहां देखेंगे? रिजल्ट के लिए आपको सेल एड्रेस, इस सेल एड्रेस को देखना होगा। नेक्स्ट एलिमेंट जो आपका जूम स्लाइडर है, आप देख सकते हैं नीचे आप आइए और दाई की ओर अग्रसर कीजिए, वहां आपको जूम स्लाइडर मिलेगी। आप देख सकते हैं इसे आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ये जूम इन और जूम आउट है। अब इसे गौर से देखिए, मैं इसे थोड़ा बड़ा करना चाहता हूं। जो ही मैं प्लस पे क्लिक करूंगा ये मेरा साइज बढ़ता जाएगा। इसी तरह मैं इसे छोटा कर सकता हूं। आपको देखना है कि कौन सा परसेंटेज आपके लिए यहां सुटेबल होगा। अब इसके बाईं ओर चलिए, बाईं ओर आपको सीट मिलेगी। ये सीट 1 है जिसमें नंबर ऑफ सेल्स आपको यहां मिलेगी। अगर मैं सीट 1 पे काम कर चुका हूं और मुझे एक और सीट चाहिए तो आप एक नया सीट यहां बना सकते हैं। इसके लिए आपको राइट क्लिक करना होगा। जो ही आप राइट क्लिक कीजिएगा वहां आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेगी। पहला ऑप्शन इंसर्ट है, इसके द्वारा मैं एक नया सीट को बना सकता हूं। पर इससे पहले आपको जानना होगा कि वर्कबुक और वर्कशीट में क्या अंतर है। देखिए, वर्कबुक कलेक्शन ऑफ शीट्स होती है, पर वर्कबुक क्या होता है, वर्कशीट क्या होता है? वर्कशीट कलेक्शन ऑफ सेल्स होती है। आप देख सकते हैं ये मेरा सीट है, इस सीट में आपको नंबर ऑफ सेल्स मिलेंगे। ये सभी सेल्स जब अपने आप में जुड़ जाते हैं तो एक सीट बनाते हैं। पर वर्कबुक क्या कहता है? वर्कबुक कलेक्शन ऑफ सीट्स होती है, अर्थात एक वर्कबुक में आप नंबर ऑफ सीट्स बना सकते हैं। जैसा कि मेरा अभी वर्कबुक बुक 1 है, इसके अंदर मुझे एक और सीट बनाना है, तो इसके लिए मैं राइट क्लिक यहां करूंगा और इंसर्ट पे जाऊंगा। ये पहला तरीका है। आप यहां प्लस पे भी क्लिक कर सकते हैं जिससे आपका सीट 2 यहां अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपने सीट 2 क्रिएट कर दिया पर अगर लगता है कि सीट 2 इसका कोई मुझे यूज नहीं है इस वर्कबुक में, तो इसके लिए आपको राइट क्लिक इस सीट 2 पर करना होगा और यहां डिलीट कर दीजिए। अगर सीट 1 आपके पास है पर मैं इस सीट 1 को चेंज करना चाहता हूं, इस सीट 1 के जगह मैं स्टूडेंट इंफॉर्मेशन लिखना चाहता हूं, तो राइट क्लिक कीजिए और रिनेम कीजिए और यहां पे जो चीज आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। दोस्तों, अभी तक मैं जो भी फंडामेंटल टॉपिक्स एमएस एक्सेल के बारे में आपको बताया, शायद आप सभी को इसके बारे में पता चल गया होगा। अब मैं एक एक टैब को यहां यूज करके दिखाऊंगा। जैसा कि आपको पता है टैब क्या है? कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स है, और ग्रुप क्या है? कलेक्शन ऑफ कमांड बटन है। तो सर्वप्रथम मैं
होम टैब पे जाऊंगा। इस होम टैब पे आपको डिफरेंट ग्रुप्स मिल रही है, पर मैं सर्वप्रथम क्लिपबोर्ड पे आपका प्रकाश डालूंगा। पहला, क्लिपबोर्ड क्या है? क्लिपबोर्ड एक कंप्यूटर्स मेमोरी है जहां आप डेटा को टेम्पोररी रख सकते हैं। अब देखिए, पहले मैं एक सीट बना लू, इस सीट में कॉन्टेंट्स भर लू। नेम इज सैलरी, राजीव सैलरी 15,000, सोनू 16, 29,000। इस एज को थोड़ा बढ़ा देता हूं। अब आप देखिए, इसको हम किस तरह एमएस एक्सेल में यूज करेंगे, और वो भी क्लिपबोर्ड के सहारे। अगर मुझे ये सारा कंटेंट्स इसे कॉपी करना है एक जगह से दूसरे जगह, एक चीज याद रखिए, कॉपी और कट दोनों में अंतर है। कॉपी का मतलब इसका एक कॉपी बनाकर दूसरे जगह प्लेस करना, और कट कहता है कि जो चीज आपने कट किया है उसे वहां से रिमूव कीजिए, वहां से हटाइए और दूसरे जगह इसे स्थापित कीजिए। सर्वप्रथम मैं आपको कॉपी पेस्ट बताऊंगा। कॉपी पेस्ट आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। पहला, पहले आप जिस को कॉपी करना है उस सेल्स को हाईलाइट कीजिए। अब हाईलाइट आपको किस तरह करना है? सर्वप्रथम आप अपने माउस पॉइंटर को A1 के पास ले जाइए और इसे क्लिक करते हुए ड्रैग कीजिए। ये पहला है। अगर आप कीबोर्ड के सहारे इसे सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आप अपने A1 सेल को एक्टिवेट कीजिए। उसके बाद आप शिफ्ट और डाउन एरो की को एक एक करके प्रेस कीजिए। आप देख सकते हैं मेरा A1, A2 और A3 हाईलाइट हो चुका है, पर मुझे कॉलम बी और सी को भी सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए आपको शिफ्ट और राइट एरो की को एक एक कर प्रेस करना है। इससे भी आप सेल्स को हाईलाइट कर सकते हैं। अब आपको कॉपी किस आधार पर करना है? कॉपी जब भी आप करते हैं तो ध्यान दीजिए कि जो आपका रेंज है वो पूरी तरह से हाईलाइट होना चाहिए। इसके बाद आप राइट क्लिक कीजिए, यहां आपको कॉपी ऑप्शन मिलेगा। इसी आधार से आप कट भी कर सकते हैं और पेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको दूसरा तरीका करना हो तो आप यहां कमांड बटन पे जा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये बटन कॉपी को दर्शाता है, तो आप वहां जाकर इसे कॉपी भी कर सकते हैं। तीसरा तरीका जो कि आपका शॉर्टकट की है, दोस्तों अगर आपको शॉर्टकट की पता है तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। अब इसे कॉपी किस तरह करना है, इसके लिए आप कंट्रोल और सी को एक साथ प्रेस कीजिए। जो ही आप प्रेस कीजिएगा ये कॉपी हो जाएगी। अब इसे कहां रखना है, इसका एक इमेज कहां रखना है, तो वहां आप चले जाइए और कंट्रोल प्लस वी, यहां आपको कंट्रोल प्लस वी प्रेस करना है और यहां कंट्रोल प्लस सी। अब आपको इसे पेस्ट करना है, तो सर्वप्रथम कहां पेस्ट आपको करना है वहां चले जाइए। मुझे यहां पेस्ट करना है। यहां आप नंबर ऑफ सेल्स को हाईलाइट नहीं करें,
आपको सिर्फ एक सेल जो कि सोर्स होता है वहां आपको कर्सर ले जाना है और वहां कंट्रोल भी कर दे। आप दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यहां राइट क्लिक कीजिए और पेस्ट कीजिए, या आप यहां जाकर कमांड बटन पर जाकर आप पेस्ट कर सकते। एक चीज ध्यान दें, अगर आपका कट और या कॉपी हाईलाइट नहीं हुआ, अर्थात पेस्ट भी आपका हाईलाइट नहीं होगा। अभी आप ध्यान दीजिए, अब मुझे इसे यहां से हटाना है और दूसरी जगह स्थापित करना है, तो इसके लिए आपको कट का इस्तेमाल करना होगा। आप देख सकते हैं कॉपी के जस्ट उसके ऊपर आपको कट बटन मिलेगी जो एक सीजर है। आप इसे हाईलाइट करने के बाद कट बटन को प्रेस करें या राइट क्लिक कीजिए और कट कीजिए। तीसरा तरीका, आप CTRL प्लस X इसे भी आप प्रेस कर सकते। तो सर्वप्रथम मुझे शॉर्टकट की यूज करना है तो मैं कंट्रोल X यूज करूंगा। कहां आपको पेस्ट करना है, उस सेल को आपको क्लिक करना होगा और यहां पेस्ट कर दीजिए। आप यहां ध्यान दीजिए, मैं जो ही इसे पेस्ट किया, जो मेरा कंटेंट्स A1 से लेकर C3 तक था वो वहां से रिमूव कर चुका है, क्योंकि मैंने इसे मूव किया किसके द्वारा, कट और पेस्ट के द्वारा। तो आपको समझना होगा क्या मुझे उसी आइटम को बार बार हर जगह रखना है, तो आप कॉपी पेस्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे वहां से उस कंटेंट्स को हटाना है क्योंकि वो जगह उस कंटेंट्स के लिए सही जगह नहीं है, तो आप वहां कट और पेस्ट फॉर्मेटेड। दोस्तों, फॉर्मेट पेंटर का यूज हम लोग एक्सेल में करते हैं। फॉर्मेट पेंटर आपके कंटेंट्स में जो भी फॉर्मेटेड इफेक्ट है उसे कॉपी करेगा और जहां आप उस इफेक्ट को देना चाहते हैं वहां जाकर आप क्लिक करें। अब इसे किस आधार पर और किस तरीके से इस फॉर्मेट पेंटर का यूज एक्सेल में करना है, आप देख सकते हैं यहां नेम, एज और सैलरी, ये मेरा 3 फील्ड है। इसे मैं सबसे ऊपर इसे ले जाता हूं। अब मुझे नेम को फॉर्मेट करना है। पहला, इसका साइज मुझे थोड़ा बढ़ाना है। दूसरा, इसे मैं बोल्ड करता हूं, इटैलिक भी करता हूं, अंडरलाइन भी करता हूं और साथ साथ इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूं। दोस्तों, यहां आप देख रहे हैं कि मैंने 5 इफेक्ट इस सेल पे डाला। पहला बोल्ड, दूसरा इटैलिक, तीसरा अंडरलाइन, चौथा फॉन्ट साइज और पांचवा कलर चेंज। अगर मुझे यही चीज एज पर भी डालना है तो मुझे सर्वप्रथम इस सेल को सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद मुझे फॉर्मेट पेंटर जो कि एक कमांड बटन है क्लिपबोर्ड ग्रुप का, उसे क्लिक करना होगा। तो मैं सर्वप्रथम इसे सेलेक्ट कर फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करता हूं। अब इसका जो भी फॉर्मेटिंग इफेक्ट होगा वो कॉपी होगा, ना कि उसका कंटेंट्स कॉपी होगा। तो मैंने इसे ऑलरेडी कॉपी कर चुका। अब मुझे जिस सेल पे इसका इफेक्ट डालना है वहां जाकर सिंपली क्लिक कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं एज भी
जिस तरह नेम फॉर्मेटेड है, एज भी यहां फॉर्मेटेड हो चुका है। तो आपको अगर इस तरह का यूज एमएस एक्सेल में करना है तो आप कर सकते हैं। शायद क्लिपबोर्ड आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। अब मैं दूसरे ग्रुप जो कि फॉन्ट है, अब उस पे मैं वर्क करने जा रहा हूं। तो सर्वप्रथम मैं इसे ओरिजिनल वे में ले आता हूं। अब देखिए, आप फॉन्ट ग्रुप में आपको स्टाइल मिलेगी, आपको कौन सा स्टाइल लेना है। पर एक चीज याद रखिए, जब भी आप फॉर्मेट किसी भी कंटेंट्स को कर रहे हैं तो उसे हाईलाइट जरूर करें। अगर मुझे सिर्फ इस सेल को फॉर्मेट करना है तो मैं इस सेल को सेलेक्ट करूंगा। अगर मुझे रेंज ऑफ सेल्स को सेलेक्ट करना है तो मैं सभी को सेलेक्ट करूंगा। अब मुझे यहां कौन सा स्टाइल चाहिए, जो भी मुझे अच्छा लगे मैं उसे सेलेक्ट कर सकता हूं। इससे आप फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको लगता है कि मुझे साइज इंक्रीज करना है तो आप यहां से भी साइज इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको साइज किसी दूसरे तरीके से करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। आप जस्ट साइज के बगल में आपको दो बटन मिलेगी, एक इंक्रीज फॉन्ट साइज, एक डिक्रीज फॉन्ट। अगर मुझे एक एक करके उसका साइज बढ़ाना है तो एक एक करके आप क्लिक करते जाइए। अगर आपको इसे छोटा करना है तो एक एक करके आप छोटा बड़ा जो भी आपको करना है कर सकते। पर यहां ध्यान रखिए, मैं जो ही फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर रहा हूं तो मेरा कुछ कंटेंट्स हाइड कर जा रहा है। अब मुझे इसे भी देखना है तो इसके लिए आपको कॉलम विड्थ को बढ़ाना होगा। इसके लिए आप कॉलम, जो आपका दो कॉलम है उसके बीच में आपका जो बॉर्डर है इसे आप ड्रैग कीजिए किस ओर, राइट। जो ही आप ड्रैग कीजिएगा उस कॉलम का साइज बढ़ जाएगा। इसी तरह अगर आपको रो का साइज बढ़ाना है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो बोल्ड है, अगर आप इस टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो बी बटन पे क्लिक कीजिए। अगर इटैलिक करना है तो आई पे कर सकते हैं। अगर अंडरलाइन करना है तो यू पे भी कर सकते हैं। इसका भी शॉर्टकट की है। अगर आप बोल्ड पर काम करना चाहते हैं तो आप CTRL प्लस बी को क्लिक कीजिए। अगर आप इटैलिक पे काम करना चाह रहे हैं तो यहां कंट्रोल प्लस आई को क्लिक कीजिए। अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस यू का यूज कर सकते हैं। अगर आपको सेल्स का बॉर्डर दिखाना है तो आप बॉर्डर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब भी एक्सेल में आप काम करते हैं, अगर इसका हार्ड कॉपी अगर आपको लेना होगा तो हार्ड कॉपी में सिर्फ आपका कंटेंट्स डिस्प्ले करेगा, उसका बॉर्डर डिस्प्ले नहीं कर सकता। अगर आपको पता करना है कि क्या मेरा ये जो सीट प्रिंट होगा क्या इसमें बॉर्डर डिस्प्ले करेगा, इसके लिए आप फाइल पे चले जाइए और प्रिंट पे क्लिक कीजिए। अब आप देख सकते हैं इसका आउटपुट, आप देख सकते हैं ये आपका आउटपुट जो आपके सीट पे प्रिंट होगा। यहां आपको बॉर्डर दिख ही नहीं रहा है। बॉर्डर अर्थात इस तरह का बॉर्डर आपके कंटेंट्स के बीच में होना चाहिए था। अगर ये बॉर्डर अगर नहीं है तो शायद अगर आपका डेटा कुछ ज्यादा लंबा होगा तो आप पर्टिकुलर इंडिविजुअल डेटा को
जल्दी देख नहीं सकते हैं। जब भी उस रिकॉर्ड को देखिएगा, हो सकता है कि आप रिकॉर्ड नंबर 15 देखना चाहते हैं, तो आप रूम नंबर रिकॉर्ड नंबर 15 के जगह पर आप रिकॉर्ड नंबर 16 देखना शुरू कर दीजिएगा। तो वो लाइन आपको दर्शाएगा कि आप जो डेटा जो देख रहे हैं, ये डेटा इस लाइन पे लाई कर रही है। अब मैं बैक जाता हूं। अब यहां मुझे बॉर्डर को दर्शाना है, तो इसके लिए मुझे सर्वप्रथम कंटेंट्स को हाईलाइट करना होगा, ना कि पूरे पूरे सीट को। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहां डाउन एरो की पर सेलेक्ट कीजिए। यहां डिफरेंट तरह के आपको बॉर्डर मिलेंगे। अगर आप पेन के द्वारा बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो ड्रॉ बॉर्डर का यूज कीजिए। अगर आपको चाहिए कि नहीं ऑटोमेटिकली मेरा ऑल बॉर्डर्स बन जाए, तो आप ऑल बॉर्डर का भी चुनाव कर सकते हैं। तो यहां मैं ऑल बॉर्डर्स का चुनाव करूंगा। अब आप देख सकते हैं कि हर एक कंटेंट जो मुझे हर एक सेल पे दिखाई दे रहा है, उसके बीच एक बॉर्डर बन चुका है। अब इसे आपको पता करना है तो आप पुनः वही स्टेप को फॉलो कीजिए। यहां फाइल प्रिंट पे जाइए। अब आप देख सकते हैं यहां आपका डेटा एकदम सिस्टमैटिक वे में और बॉर्डर के द्वारा डिस्प्ले करवा रहा है। तो आपको समझना होगा कि क्या मुझे बॉर्डर की जरूरत एक्सेल में है कि नहीं। अगर है तो आप इस स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। अब आप जस्ट बॉर्डर के बगल में आप देख सकते हैं ये आपका फिल कलर है। अगर मुझे इस सारे सेल्स को का बैकग्राउंड फिल करना है और वो भी येलो कलर में, तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। पर ध्यान रखिए, अगर आपने बैकग्राउंड कलर कोई डीप कलर लिया होगा तो हो सकता है कि आपका कंटेंट्स हाइड कर जाए, डिस्प्ले अच्छी तरह से नहीं कर सकता। तो जब भी आपको बैकग्राउंड कलर लेना है तो लाइट कलर यूज कीजिए, और फोरग्राउंड कलर जो नेक्स्ट आपका पार्ट है, ये फोरग्राउंड कलर है। अब इस कलर को आप थोड़ा डीप रखें, पहले हाईलाइट जरूर करें, अन्यथा वो इफेक्ट आपके सेल पे नहीं आएगी। अब आप देख सकते हैं यहां मेरा फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों चेंज हो चुका है। नेक्स्ट ग्रुप मेरा अलाइनमेंट है। इस अलाइनमेंट में आपको पता चलेगा कि मैं अपने कंटेंट्स को किस आधार पे बाएं, सेंटर, दाएं या जस्टिफाई कर सकता हूं। अब यहां आप गौर से देखिए, बाय डिफॉल्ट आपका टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन होता है और नंबर आपका राइट अलाइन होता है। अब गौर से आप देखिए, ये मेरा जो टेक्स्ट है, ये जो मेरा सभी टेक्स्ट जो आप देख रहे हैं अल्फाबेट्स है, ये सभी मेरा लेफ्ट अलाइन है। आप ये बॉर्डर को ध्यान दीजिए, ये बॉर्डर में नेम आपका लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये बाई ओर है। पर अगर नंबर को आप ध्यान दीजिए, ये नंबर आपका राइट अलाइन है। अगर अगर आपको ये सभी कंटेंट्स राइट साइड की ओर ले जाना है, तो आप यहां राइट अलाइनमेंट यूज कीजिए। अगर आपको सेंटर में प्लेस करना है तो सेंटर अलाइनमेंट का यूज करें। अगर आपको लेफ्ट में रखना है तो लेफ्ट में रखें। ये जो मैं अभी अलाइनमेंट बताया, ये सभी हॉरिजेंटल अलाइनमेंट के अंतर्गत आती है। अर्थात अगर ये मेरा सेल है तो इस सेल का वैल्यू आप लेफ्ट, सेंटर और राइट में रख सकते हैं। पर अगर वर्टिकल अलाइनमेंट की बात आती है तो यहां तीन वैल्यू जो आपको लाई करेगी, एक टॉप करेगी,
एक टॉप करेगी, दूसरा मिडिल करेगी और तीसरा बॉटम। तो इससे पहले आपको सभी सेल जो आपका इस सीट में यूज किया हुआ है उसका रो का विड्थ थोड़ा बढ़ा दें, तब आपको पता चलेगा कि मेरा वर्टिकल अलाइनमेंट किस आधार पे हो रहा है। अब यहां ध्यान दीजिए, मैं पूरे कंटेंट्स को सेलेक्ट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ नेम को, यहां नेम कॉलम को यहां मैं सेलेक्ट किया हूं जिसमें आपका कंटेंट्स में राजीव और सोनू है। अब मुझे इसे टॉप अलाइनमेंट बनाना है तो आप इस बटन का यूज कीजिए, ये आपका टॉप अलाइनमेंट है, तो आपको इस टॉप अलाइनमेंट को यूज करना होगा। अब आप देख सकते हैं ये तीनों कंटेंट्स आपका ऊपर की ओर चला गया है। अगर इसे बीच में रखना है तो आप मिडिल अलाइनमेंट कीजिए, अगर आपको नीचे रखना है तो आप बॉटम अलाइनमेंट कीजिए। ये दो तरह का अलाइनमेंट आप जान चुके होंगे कि मुझे लेफ्ट और मुझे हॉरिजेंटल और वर्टिकल अलाइनमेंट किस तरह करना है। नेक्स्ट अलाइनमेंट जो आपको डिग्री अलाइनमेंट होती है, आप इसे किसी एंगल में इसे फ्लैश करवा सकते हैं। अगर मैं ये फील्ड को अगर ले रहा हूं तो इसे मैं डिफरेंट डिग्रीज में अगर ले जाना चाहता हूं तो यहां आप देख सकते हैं, यहां आपको डिग्रीज मिल रही है, रोटेट अप, रोटेट डाउन, वर्टिकल टेक्स, एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, जो भी है आपका। अगर आपको इस कंटेंट्स को डिग्री वे में करना है तो इसे आपको एक्सप्लोर करना होगा, आप अलाइनमेंट को एक्सप्लोर कीजिए, यहां आपको डिग्री मिलेगी, यहां किस डिग्री में आपको जाना है उस डिग्री को आप सेट कीजिए और ओके बटन को क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं आपका टेक्स्ट उसी डिग्री में अलाइन हो चुका है। अब आपका नेक्स्ट पार्ट इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट्स है। आपको इंडेंट्स पता होना चाहिए। यहां मैं एक सेल को ले रहा हूं, सेल A1। अब इसको अगर मैं बॉर्डर के क्लोज ले जाऊं तो अर्थात मैं इंडेंट्स को डिक्रीज कर रहा हूं। अगर सेल A1, यहां नेम है, अगर नेम में अगर हम इंडेंट का प्रयोग कर रहे हैं और ये इंडेंट लेफ्ट की ओर जा रहा है, अर्थात मैं लेफ्ट से जो बॉर्डर का स्पेस है वो स्पेस मैं कम करना चाहता हूं, तो वहां मैं डिक्रीज इंडेंट का यूज करूंगा। तो यहां आप देखिएगा कि नेम से पहले कुछ स्पेसेस हैं, इस स्पेसेस को मुझे हटाना है, तो इसके लिए मुझे डिक्रीज इंडेंट को सेलेक्ट करना होगा और उसे क्लिक करना होगा। ये आपका डिक्रीज है और ये आपका इंक्रीज इंडेंट है। अब यहां गौर से आप देखिए, सर्वप्रथम मैं इस सेल को सेलेक्ट कर रहा हूं और इसे डिक्रीज मोड पे ला रहा हूं। आप देख सकते हैं एक एक कर स्पेस हट रहा है। अगर मुझे बढ़ाना है तो मैं इंक्रीज इंडेंट का यूज करूंगा। अगर आप किसी लंबे टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आप तीन तरीके से उसे डिस्प्ले कर सकते हैं। पहला रैप टेक्स्ट, दूसरा श्रिंक टू फिट और तीसरा मर्ज सेल। यहां मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, अगर मैंने राजेश कुमार मल्होत्रा इस सेल में लिखा हूं तो आप गौर से देखिए कि राजेश कुमार मल्होत्रा पूरी तरह से डिस्प्ले नहीं कर रहा है और मुझे इस टेक्स्ट को पूरी तरह से डिस्प्ले करवाना है तो मुझे इस
तीन तरीके से इस सेल में लिखा हुआ टेक्स्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं। पहला रैप टेक्स्ट, इसके लिए पहले आपको लॉन्च बार पे जाना होगा और यहां आपको रैप टेक्स्ट सेलेक्ट करना होगा। यहां ध्यान दीजिए, जो ही आप इस ऑप्शन को एक्टिवेट करेंगे तो आपका रो का हाइट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि जो रिमेनिंग कंटेंट्स जो डिस्प्ले आपका नहीं कर रहा है वो उस सेल के नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। मैं यहां ओके बटन क्लिक करता हूं। अब आप देखिए राजेश कुमार मल्होत्रा पूरी तरह से डिस्प्ले कर रहा है, पर यहां रो का हाइट बढ़ चुका है। दूसरा तरीका मर्ज सेल, यहां मैं पुनः उसी स्थिति पे इस सेल को ले आता हूं। अब यहां मुझे दो सेल, यहां मुझे दो सेल का मदद लेना होगा, तो यहां मैं दो सेल्स को सेलेक्ट करूंगा और फिर उसी डायलॉग बॉक्स में मैं मर्ज सेल को हाईलाइट करूंगा। यहां ध्यान दीजिए, जो दो सेल के बीच में जो बॉर्डर है वो बॉर्डर टूट जाएगी और एक सेल वो बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं इस कंटेंट्स में जो लिखा हुआ शब्द राजेश कुमार मल्होत्रा वो पूरी तरह से डिस्प्ले कर रहा है। तीसरा तरीका जो कि आपका सिंक टू फिट है, इसमें आपका सेल्स का हाइट नहीं बढ़ेगा, वो एज इट इज रहेगा, पर उस कंटेंट्स का साइज रिड्यूस हो जाएगा। अब मैं इसे पुनः उसी स्थिति पे ले आता हूं। अब मैं यहां सिंक टू फिट का यूज करूंगा और यहां ओके बटन पे क्लिक करूंगा। अब आप देख सकते हैं कि राजेश कुमार मल्होत्रा का साइज छोटा हो चुका है, जो कि पहले बड़ा था, पर इस स्थिति में भी मैं राजेश कुमार मल्होत्रा को पूरी तरह से देख पा रहा हूं। शायद दोस्तों ये पहला जो वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया है वो आपको बहुत मदद करेगी। अगर आपने इस वीडियो में कहीं भी कोई भी कंटेंट्स को स्किप किया तो शायद वो कंटेंट्स आपको समझ में नहीं आ सकता, तो इसलिए वीडियो कभी भी स्किप ना करें और एक एक चीज को ध्यान पूर्वक सुने। यह जो वीडियोस मैं बना रहा हूं यह वीडियोस आपको बहुत मदद करेगा। मैं इसे पूरे डिटेल्ड वे में आपको बताऊंगा, तो काइंडली आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और इसका फायदा जरूर उठाएं। धन्यवाद।